आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक व्हाई डोंट वी गेट इलेक्ट्रिकल शॉक फ्रॉम डीसी करंट, मतलब कि हमें डीसी करंट से बिजली का झटका क्यों नहीं लगता है। तो दोस्तों आज का हमारा यह टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कई लोगों के मन में इलेक्ट्रिकल शॉक से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चन रहते हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि जब भी हम कभी भी बैटरी के प्लस टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल इन दोनों को साथ में टच कर लेते हैं तो भी हमें बिजली का झटका नहीं लगता है, चाहे हम हमारे घर में लगी इन्वर्टर 150 AH की बैटरी को भी छू लें। और सेकंड क्वेश्चन कि आखिर इलेक्ट्रिकल शॉक हमें कब लगता है, इसके पीछे क्या कंडीशन होती है कि हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चन के जवाब आपको आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, तो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज तो आपको यह बतानी चाहिए कि आखिर हमें इलेक्ट्रिकल शॉक कब लगता है। और जब भी हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि आखिर हमें करंट से इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है या फिर वोल्टेज से इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है कि आखिर करंट ज्यादा डेंजर होता है या फिर वोल्टेज ज्यादा डेंजर होता है। अभी के लिए दोस्तों अगर मैं आपको इसका क्लियर आंसर बताऊं तो हमें जो इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है वह हमें करंट से लगता है। अब दोस्तों इस चीज को जानने के बाद में आपके मन में अगला सवाल यह आना चाहिए कि आखिर कितने करंट की वैल्यू से हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे कि हमारी एक मोटर है, हमको पता है जब मोटर चलती है तो ये मोटर हमारी 5 एम्पियर करंट को लेती है। इसका मतलब यह है कि हमारी जो मोटर है उस मोटर की वाइंडिंग में से हमारा 5 एम्पियर फ्लो होता है तभी हमारी ये मोटर रन होती है। तो अब हम ये एक इंसान है, हमारे अंदर से कितना करंट निकलेगा, कितने करंट की वैल्यू निकलेगी तब हमको करंट का झटका लगेगा। तो इसका जवाब आप इस लिस्ट के अंदर दे सकते हो। इसके अंदर यहाँ पे करंट मतलब कि एम्पियर की वैल्यू लिखी हुई है और यहाँ पे ह्यूमन का रिएक्शन लिखा हुआ है कि आखिर इतना करंट फ्लो होने से हमारे ह्यूमन की बॉडी में क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले लिखा 0.001, इसका मतलब है 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है, 1000 मिली एम्पियर बराबर होता है हमारे 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का 1000वां हिस्सा अगर हमारी बॉडी के अंदर से निकल जाएगा तो इससे क्या होगा, तो इस 1 मिली एम्पियर से हमें कुछ भी नहीं होने वाला, यहाँ तक कि हमें कई कंडीशन में इलेक्ट्रिकल करंट महसूस भी नहीं होगा कि हमारी इस बॉडी में से करंट निकल रहा है। इसके बाद में सेकंड चीज आती है, अगर हमारी बॉडी के अंदर से 5 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो जाता है तो इससे क्या होता है, इससे हमें दोस्तों हल्का सा स्लाइटली इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी आपके लिए पेनफुल नहीं होगा। मतलब कि आपको कोई झटका नहीं लगेगा, बस आपको पता चलेगा, महसूस जैसा रहेगा, मतलब कि हमको कहीं पे कुछ शॉक जैसा हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है। इसके बाद में तीसरी चीज लिखी हुई है, ये वुमेन के लिए लिखी हुई है कि अगर वुमेन की बॉडी में 6 मिली एम्पियर से लेकर 25 मिली एम्पियर तक अगर करंट निकलता है और इतनी ही करंट की वैल्यू में वह अपने मसल का कंट्रोल भी लॉस्ट कर सकती है। और वहीं अगर हम मैन की बॉडी की बात करें, पुरुष की बॉडी की बात करें, तो यहाँ पे आ जाता है 9 मिली एम्पियर से लेके 30 मिली एम्पियर तक जब हमारी बॉडी में से करंट निकलेगा तो यह जो करंट है यह करंट हमारे लिए थोड़ा बहुत पेनफुल हो सकता है। दोस्तों यह सब तो लिस्ट है, इस लिस्ट को आप भी पढ़ सकते हैं। अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे कि आखिरकार हमें डीसी करंट से इलेक्ट्रिकल शॉक क्यों नहीं लगता है। इसका जवाब पता करने के लिए हम डायरेक्ट एक उदाहरण ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास में ये 12 वोल्ट की बैटरी है, अधिकतर केस में हमारे पास 12 वोल्ट की ही बैटरी होती है। और सेकंड केस में हम एक और उदाहरण मान लेंगे कि हमारे पास में 24 वोल्ट की बैटरी है। अब दोस्तों सबसे पहले हम 12 वोल्ट की बात करें तो यह एक ह्यूमन है, ये ह्यूमन जाता है और अपना एक हाथ को इस 12 वोल्ट के प्लस पे लगा देता है और दूसरे हाथ को 12 वोल्ट के नेगेटिव पे लगा देता है। तो अब इसको इलेक्ट्रिकल शॉक क्यों नहीं लग रहा, तो इसको पता करने के लिए हमको सबसे पहले यह बताना चाहिए कि आखिर इस ह्यूमन की बॉडी में से कितने करंट की वैल्यू फ्लो हो रही है। क्योंकि हम सभी को पता है अगर इसकी बॉडी में से 5 मिली एम्पियर से कम करंट फ्लो होगा तो इसको पता भी नहीं चलेगा। अगर 5 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो होता है तो यहाँ पर अलग अलग कंडीशन हो सकती है कि आखिर कितने मिली एम्पियर में इसे कितना झटका लगेगा। अब हमारे सामने अगला सवाल यह आता है कि हम कैसे पता करेंगे कि इसकी बॉडी में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इसको पता करना काफी ज्यादा आसान है, इसको हम ओम्स लॉ के फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। हमको क्या पता करना है, करंट की वैल्यू पता करनी है कि आखिर कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, मतलब कि हमारे पास में वोल्टेज कितना है उसके अंदर हमको रेजिस्टेंस का भाग लगा देना है। तो अभी हम सभी को पता है हमारे पास में 12 वोल्ट की बैटरी है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 12 लिखेंगे और नीचे डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस से। तो अब अगली चीज हमें रेजिस्टेंस लिखनी है, तो रेजिस्टेंस हम किसका लिखेंगे, तो रेजिस्टेंस लिखेंगे जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर से, तो हमको हमारा रेजिस्टेंस लिखना है। तो अब ह्यूमन की बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो इसके ऊपर भी हमारी पूरी रिसर्च हो रखी है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास में दो कंडीशन होती है, एक होती है ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन का मतलब अभी जैसे मेरा हाथ पूरा सूखा है, ये भी पूरी ड्राई नहीं है, इसमें हल्का फुल्का मॉइस्चर है मेरे हाथ में। एक होती है हमारी वेट कंडीशन जिसके अंदर हमारा हाथ जो है पूरी तरीके से भीगा हुआ है। तो दो तरीके की कंडीशन होती है, इसके अंदर हमारा जो बॉडी का रेजिस्टेंस है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो अगर हमने कहीं पे फिंगर को टच किया है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी एक बैटरी है, इस बैटरी के पॉजिटिव पे मैंने एक फिंगर लगाई है
है और दूसरे हाथ की फिंगर मैंने नेगेटिव पे लगाई है, तो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा ना दोस्तों, वो हमारी फिंगर का रेजिस्टेंस 40,000 ओम से लेके 10,00,000 ओम तक हो सकता है। और वहीं अगर मेरा हाथ गीला होगा तो इसके अंदर जो वैल्यू वो कितनी घट जाती है, वो हो जाती है 4,000 ओम से लेके 15,000 ओम तक। तो अभी के केस में हम यहीं से एक रेजिस्टेंस की वैल्यू उठा लेते हैं हमारी बॉडी की। तो अभी हम उठा लेते हैं, हम फिंगर टच नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट हमारे हैंड को टच कर रहे हैं, मतलब कि मैं मेरे हाथ से उसको पकड़ लेता हूं, होल्डिंग कर लेता हूं प्लस वाले टर्मिनल को और नेगेटिव वाले टर्मिनल को दूसरे हाथ से। तो यहां पर जो मेरी बॉडी का रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 15,000 से लेके 50,000 ओम तक। तो अभी के केस में मैं यहां पे सबसे कम वैल्यू ले लेता हूं जो कि 15,000 ओम है। मैं क्या करता हूं, जो 12 वोल्टेज है इसके अंदर भाग लगा देता हूं 15,000 का, और इसको भाग करने से मुझे पता चल जाएगा कि आखिर मेरी बॉडी के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो अभी मेरे को करना है 12 भाजक 15,000, और इसको करने के बाद में मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 0.0008। तो मैं इस वैल्यू को यहां पे लिख लेता हूं जो कि है 0.0008। तो दोस्तों यहां पर ये जो वैल्यू है ना 0.008, ये हमारे 1 मिली एम्पीयर से भी कम है। 1 मिली एम्पीयर क्या होगा, वो होगा 0.001, लेकिन यहां पर वैल्यू हमारी 1 मिली एम्पीयर से भी कम आ रही है। अब हम वापस से हमारी इस लिस्ट के अंदर आके देख लेते हैं कि अगर हमारी बॉडी के अंदर से 1 मिली एम्पीयर से भी कम करंट फ्लो होता है या 1 मिली एम्पीयर होता है तो क्या होता है। तो इसका मतलब है कि इसमें हमारी कुछ भी नहीं होता है, इस समय हमें करंट की वैल्यू महसूस भी नहीं होगी। हमें करंट की वैल्यू कहां से महसूस होती है, थोड़ी थोड़ी, वो होती है हमें 5 मिली एम्पीयर से। 5 मिली एम्पीयर भी हमें शॉक नहीं लगता है, ये हमारे लिए कोई पेनफुल नहीं होता है, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तो हमारे पास में 1 मिली एम्पीयर से भी कम की वैल्यू है। नेक्स्ट हम दूसरा उदाहरण मान लेते हैं कि अब हमारे पास में 12 वोल्ट की बैटरी नहीं है, अभी हमारे पास 24 वोल्ट की बैटरी है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, वही सिंपल सा फॉर्मूला है, हम क्या करेंगे, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज अब हमारे पास 24 वोल्टेज और हमको भाग लगाना है 15,000 का। तो अब मैं इन दोनों को भाग लगाऊंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू जस्ट डबल आ जाएगी, तो 0.0016। तो यहां पर जो दोस्तों मेरे पास वैल्यू आई वो आई मेरे पास 1 मिली एम्पीयर। तो इसका मतलब यह है कि 24 वोल्ट की बैटरी को भी अगर मैं छूता हूं, पूरे हाथ से पकड़ता हूं उसके टर्मिनल को, तो भी मेरी बॉडी के अंदर से 1 मिली एम्पीयर ही करंट फ्लो रहा है। और अभी हम सबने यह भी देख लिया कि 1 मिली एम्पीयर जो करंट होता है वो 1 मिली एम्पीयर करंट हमें महसूस भी नहीं होता है। तो इसी कारण से जब भी हम बैटरी के टर्मिनल को टच करते हैं तो हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों यहीं पर अगर हमारी जो बैटरी है ये काफी ज्यादा वोल्टेज की हो जाती है, हम कई सारी बैटरी को आपस में सीरीज में जोड़ के यहां पर हम उसके 220 वोल्टेज बना देते हैं, तो उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। क्यों लगेगा, तो उसको अभी हम इस फॉर्मूले से देख भी सकते हैं। तो काफी सिंपल चीज है, हम क्या करेंगे, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा हमारी बॉडी में कितना करंट निकलेगा। तो मैं क्या करूंगा, 220 वोल्टेज और यहां पे रेजिस्टेंस कितना है, तो है 15,000 रेजिस्टेंस। तो अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, तो 10 से 10 कट गया। अब मैं 22 के अंदर 1500 का भाग लगा देता हूं, तो 22 भाजक 1500, और मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 0.0146। मतलब कि मेरे पास जो अभी वैल्यू आ गई दोस्तों वो आ गई है 0.014, मतलब कि 14 मिली एम्पीयर। और अब हम हमारी लिस्ट में देख लेते हैं कि 14 मिली एम्पीयर करंट फ्लो होने से हमारी बॉडी में क्या होगा। तो यहां पे जो लिस्ट आती है वो आती है कि हमारे अगर 9 मिली एम्पीयर से लेके 30 मिली एम्पीयर तक अगर हमारी बॉडी में से फ्लो होता है करंट, तो इसका मतलब है ये हमारी बॉडी को फ्रीज भी कर सकता है, इसके अंदर हमको पेन भी होगा और साथ ही साथ हमको खुद की बॉडी को छुड़ाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो यही चीज मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर बताना चाहता था। अब दोस्तों अगर मैं इस पूरी वीडियो को एक छोटी सी लाइन में क्लियर करूं, तो सिंपल सी बात यह, हमें डीसी करंट से भी इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है और एसी करंट से भी इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। हमें शॉक जो लगता है वो सिर्फ करंट से ही लगता है, चाहे वो डीसी का हो या फिर एसी का हो। अब कितने करंट से लगेगा, तो वह वैल्यू मैंने भी आपको दिखा दी है कि हमें 5 मिली एम्पीयर के ऊपर का करंट महसूस होने लग जाता है, और हमारे लिए जो सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है, जो हमें मार भी सकता है, वो होता है 30 मिली एम्पीयर। मतलब कि 30 मिली एम्पीयर के ऊपर का अगर आपके बॉडी में से करंट जाएगा तो आपके लिए काफी ज्यादा डेंजर है, इतना डेंजर कि वो आपको मार भी सकता है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ हेल्पफुल जानकारी मिली होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जुड़ता है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल अगर आप नहीं पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।